हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम आपको चार सिलाइयों में और एक फंदे में बनने वाली डिजाइन पैटर्न लाए हैं। आप इसे ज़रूर बनाइए। ये पैटर्न हर फंदे में बनता है और ये चार सिलाइयों में बन के कम्प्लीट हो जाता है। आप इसे ज़रूर बनाएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। ये डिजाइन हमारी उल्टी साइड से बनेगी। तो पहली सिलाई हमें इस तरह से एक सिलाई सीधी बनानी है, सारे फंदे सीधे बनाने। इसमें हमने 14 फंदे लिए हैं। आप अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से फंदे डाल लें। अगर आप बच्चों को स्वेटर में बनाना चाहते हैं तो 4 या 5 साल के बच्चे के लिए 80 फंदे में बना सकते हैं। अगर जेंट्स में बना रहे हैं तो जेंट्स के हिसाब से 100 फंदे, 110 फंदे, जैसे जेंट्स हो उस हिसाब से फंदे डाल के आप बना सकते हैं। ये जेंट्स में भी अच्छा लगेगा, बच्चों में भी अच्छा लगेगा। ये देखिए रॉन्ग साइड, रॉन्ग साइड में हमारी पैटर्न बनेगी। आगे ले जाएंगे, इन दोनों फंदों के बीच से एक लूप निकालेंगे। इस तरह से उनको अपनी साइड लाना है, फिर फंदे को बना लेना है। इस तरह से एक फंदे में हमें 3 फंदे बनाने, फिर वही रिपीट करना है। पीछे से इस तरह से डालेंगे, एक लूप बनाएंगे, एक बार लपेटेंगे, फिर फंदे को आगे की साइड से बना देंगे। ध्यान से देखिए, इस तरह से डालना है, एक लूप बनाएंगे, फिर लपेटना है, सॉरी लपेटना नहीं, उनको अपनी साइड ला के बना देंगे तो ये 3 हो जाएगा। एक बार निकाल लूप बनाया, ऊन अपनी साइड लाएंगे, फिर फंदे को बना देंगे। दोनों के बीच से लूप बनाना है, ऊन को अपनी साइड लाना है, फिर बनाना है। ध्यान से देखिए, इस तरह से दोनों फंदों के बीच से एक लूप निकालेंगे, ऊन अपनी साइड लाना है, फिर से बनाना है। इस तरह से 3 फंदे बन जाएंगे। यही हमें रिपीट करते जाना है। ये देखिए, इस तरह से बार बार रिपीट करना है। दोनों फंदों के बीच से एक लूप निकालेंगे, फिर इधर लाना है, फिर बनाना है, फिर वही रिपीट करना है। इस तरह से हम सारा बना के कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए आगे से थर्ड रो में हमें इन 3 फंदों को एक साथ बनाना है। पीछे की साइड से एक साथ एक फंदा बनाना है, 3 का एक करते जाना है, 3 फंदों का एक कर देंगे। इस तरीके से सारे फंदे को हमें 3 का एक करना है। ये देखिए, ये हमारा थर्ड रो भी कंप्लीट हो गया।
ये हमारा सिलाई वाला, इसको सीधा बन था। एक पैटर्न हमारा बन गया। फोर्थ रो में सारे फंदे उल्टे बनाने, फोर्थ रो सारा उल्टा बनाना है। इस तरह से सारे फंदे उल्टे बना के कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारा एक पैटर्न बन गया। ये देखिए कितना खूबसूरत बन के आया है। अब इसको हम फिर से एक सिलाई सीधी बनाएंगे। अब ये हमारा रिपीट रो है, फोर रो की डिजाइन है, यही रिपीट करते जाना है बस। एक सिलाई सीधी, ये देखिए हो गई। पीछे से सेकेंड रिपीट रो है। अब इसमें हमारा पैटर्न बनेगा, उनको आगे ले जाना है। दोनों फंदों के बीच से एक फंदा बनाएंगे लूप, फिर उनको अपनी साइड लाना है और इस फंदे को इस तरह से बना देना। एक का तीन हो गया, फिर वही रिपीट करना है। ये हमारा सेकेंड रिपीट रो है। इस तरह से हम सारे फंदे को एक का तीन, एक बार लूप निकालना है, फिर उनको अपनी साइड लाके एक फंदे को बना लेना है। इस तरह से तीन फंदे हो जाएंगे, उनको आगे रखते हुए लूप बनाना है, फिर पीछे लाके फंदे को बना लेना, पीछे लाना है, बनाना है। इस तरह से तीन फंदे हमारे कंप्लीट होते जाएंगे। ये देखिए, इस तरह से हमारे सारे फंदे बनाने हैं हमको। ये हमारा सेकेंड रिपीट रो है। बस यही नहीं, चार सिलाइयों को बार बार रिपीट करना है हमको। ये देखिए, ये हमारा सेकेंड रो भी कंप्लीट हो गया। ये हमारा सिलाई का है, इसलिए इसे पीछे करके उल्टा बनाना है। ये देखिए, ये हमारा सेकेंड रो कंप्लीट हो गया रिपीट रो। थर्ड रो फिर वही करना है, तीन फंदे से एक फंदा बनाना है, तीन का एक करते जाना है। इस तरह से तीन फंदे से एक फंदा बनाना है। ये देखिए, इस तरीके से हमारा थर्ड रिपीट रो कंप्लीट हो गया। ये देखिए, ये हमारा सेकेंड पैटर्न इस तरह से बन के आ गया। अब पीछे से हमें सारा उल्टा बना लेना है।
ये देखिए इस तरह से हमारा पैटर्न बनता जाएगा। ये देखिए दोस्तों बनने के बाद हमारा पैटर्न कुछ इस तरह से आएगा। कितना खूबसूरत, कितना प्यारा डिज़ाइन पैटर्न है, आप इसे ज़रूर ट्राई करिए। अगर हमारे बताने का तरीका आपको अच्छा लगे तो थैंक यू।